हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच बी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। चलिए आज हम ऐसे सेंटेंस बनाने जा रहे हैं जो अक्सर इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं जो गलत ही हो जाता है। जैसे कि आप पहले से जानते होंगे, आना के लिए, आने के लिए हम लोग कम का प्रयोग करते हैं, जाने के लिए गो का प्रयोग करते हैं। लेकिन हर एक जगह हम लोग आने का प्रयोग कम का प्रयोग नहीं करेंगे, आने के लिए और जाने के लिए को। जैसे कि बुखार चला गया, उसका बुखार चला गया, हिज फीवर, हिज फीवर वेंट। ये गलत है, इसके लिए प्रयोग होगा His fever is up। सर्दी आ रही है, winter is coming। ये गलत है, winter is approaching, winter is approaching। ये सही है, सर्दी जा रही है, winter is going। ये सेंटेंस गलत है, इसके लिए सही होगा winter is heading। उसी तरह से है, हवाई जहाज आ रही है। एरोप्लेन इज कमिंग। ये गलत है, इसके लिए होगा एरोप्लेन इज लैंडिंग। एरोप्लेन इज लैंडिंग। उसी तरह से हवाई जहाज जा रहा है, द एरोप्लेन इज गोइंग। ये सेंटेंस गलत है, इसके लिए प्रयोग किया जाएगा एरोप्लेन इज टेकिंग ऑफ। एरोप्लेन इज टेकिंग ऑफ। बिजली चली गई है, पावर इज गोइंग। ये सेंटेंस गलत है, इसके लिए होगा देयर इज पावर कट। देयर इज पावर कट। उसी तरह से है, बिजली आ रही है, पावर इज कमिंग। ये सेंटेंस गलत है, इसके लिए होगा इसी तरह से रेलगाड़ी आ रही है, The train is coming। ये सेंटेंस गलत है, इसके लिए होगा The train is arriving। ट्रेन इज arriving। रेलगाड़ी जा रही है, The train is going। ये सेंटेंस गलत है, इसके लिए होगा द ट्रेन इज डिपार्टिंग।